अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम करने जा रहे हैं केराटिन। ये देखें कस्टमर के हेयर्स आपके सामने हैं, काफ़ी फ्रिजी हो गए थे इनके हेयर्स, माशाल्लाह से हेल्दी हेयर्स हैं। तो अभी हम इनके ऊपर केराटिन करेंगे। तो केराटिन हम करने वाले हैं क्यूने ब्रांड की, क्यूने का केराटिन का शैम्पू, मास्क, कंडीशनर, इसके अलावा इसकी क्रीम एंड सीरम, ये हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद हम इनको अप्लाई करेंगे। तो साथ साथ वीडियो देखते रहिए। इनको शैम्पू किया, ये देखें जी, आपने खुले दिल से अप्लाई करना है, कंजूसी से नहीं अप्लाई करना। ये हमने इनको शैम्पू किया, अभी शैम्पू के बाद हम इनको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इनके बालों को लाइट सा जो है वो कॉम करेंगे, हल्की हल्की कॉम करके बालों को सीधा करके उसके बाद हम जो है वो मास्क अप्लाई करेंगे। मास्क की एप्लीकेशन के बाद ये हमारी केराटिन जो है वो डन हो गई है। गाइस तो देखें बाल कितने स्मूथ और सिल्की हो गए हैं, देखें बिल्कुल स्मूथ हो गए हैं बाल, ये देखें जी। ये देखें जी अभी हम कॉम कर रहे हैं इनके बालों पे, और ये देखें कॉम बिल्कुल हमारी स्ट्रेट आ रही है, कोई एंकर नहीं, कोई कुछ नहीं बालों में, बिल्कुल जो बालों का फ्रिजनेस था वो हमने ख़त्म कर लिया है। ये जो केराटिन ट्रीटमेंट्स हैं ये आप जो है तकरीबन मंथ में 2 करवा लें या मंथ में 3 करवा लें अगर आपके बहुत ही ज़्यादा फ्रिजी हैं। अदरवाइज़ ये है कि आप रेगुलरली अच्छा शैम्पू कंडीशनर यूज़ करेंगी तो आपका जो बालों का फ्रिज है वो जाता रहेगा। ये देखें इसके अलावा भी अगर जिनके बाल ज़्यादा फ्रिज हैं वो ब्लो आउट करवा सकते हैं या केराटिन रिबॉन्डिंग करवा लें, वो भी बहुत सारे। ये देखें जी ये ऐसे हमने जो है इनको अभी ड्रायर किया, लाइट हमारी आ गई थी, तो देखें ये बाल ड्राई होके भी कितने स्मूथ हैं। ये देखें ये बाल ड्राई हो चुके हैं, ये देखें ये आगे से हमने इनकी लेयर्स की हैं कटिंग के साथ ही हमने कर दी, और ये देखें बैक पे बाल बिल्कुल स्मूथ। आप लोग भी ट्राई करना।